कल नया साल हो जाएगा तो हम लोग भी चाहते हैं कि 2023 में लाखों युवाओं को अवसर मिले, उनके हाथों में बिहार का भविष्य है और आप अपने जिम्मेवारियों को कैसे निभाएंगे ये आप बेखूबी ढंग से जानते हैं। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं, जो हमारे नौजवान भाई हैं जो अभी पद सृजन हो रहा है उन सबको एक अवसर जरूर सरकार देने का काम करेगी। थोड़ा कि बिहार जो पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है, कम रिसोर्सेज के बाद भी, कम संसाधन के बाद भी लाखों के तादाद में नौकरियां दे रहा है, नियुक्ति पत्र बांट रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जो नई महागठबंधन की सरकार जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी है ये युवाओं को लेकर के, बिहार की समस्याओं को लेकर के कितनी गंभीर है। और आप देखिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांधी मैदान से, ऐतिहासिक मैदान से, एक ऐतिहासिक दिन इंडिपेंडेंस डे के दिन ऐलान किया था कि 20 लाख लोगों को 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख सरकार जो है रोजगार के अवसर पैदा करेगी, यानी 20 लाख होता है। और हमें पूरा विश्वास है कि जो उम्मीदें, जो आकांक्षाएं जो इस नई सरकार से लोगों की है, नौजवानों की है, इसको हम लोग पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। और आने वाले समय में, क्योंकि अंत का ये अंतिम दिन, साल का ये अंतिम दिन है, लास्ट डे है, कल नया साल हो जाएगा, तो हम लोग भी चाहते हैं कि 2023 में लाखों युवाओं को अवसर मिले कि उनके हाथों में डिग्री के साथ साथ नियुक्ति पत्र भी मिले, नौकरी भी मिले। और आप लोग ज्यादातर शिक्षा विभाग से लोग जुड़े हुए हैं, आप लोगों पे एक बड़ी जिम्मेवारी है, आप लोगों के हाथों में बिहार का भविष्य है और आप अपने जिम्मेवारियों को कैसे निभाएंगे ये आप बेखूबी ढंग से जानते हैं। लेकिन बिहार हमारा आगे बढ़े, पक्षपात नहीं होनी चाहिए, नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए, सकारात्मक रूप से पॉजिटिविटी के साथ हम सब लोगों को बिना भेदभाव के, बिना डिस्क्रिमिनेशन के सबको हम लोगों को साथ लेकर के चलना है। तो बिहार एक नया बिहार बने, एक विकसित बिहार बने, हमारे राज्य के लोग तरक्की करें, लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, ये आप लोगों के हाथ में है कि बिहार को आप इस ओर लेकर के चलने का काम कीजिएगा। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को जो जिम्मेवारी मिली है वो आप लोग बेखूबी ढंग से, ईमानदारी से आप सब लोग निभाने का काम कीजिएगा और बिहार को आगे बढ़ाने में आप लोगों का योगदान माना जाएगा। तो हम ज्यादा कुछ हम नहीं कहना चाहते, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि बिहार जो है युवा प्रदेश है और देश में सबसे युवा प्रदेश है और यहाँ युवाओं की संख्या है और इस सरकार से लोगों को बड़े उम्मीदें हैं, सपने हैं और इसको हम लोगों को निभाना है। ये चैलेंजिंग है, लेकिन अगर दृढ़ शक्ति हो, अगर विल पावर हो तो इसको पूरा किया जा सकता है। बहुत लोग टिप्पणियां कर रहे हैं कि क्या होगा, कब नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, लेकिन आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। जो हमारे नौजवान भाई हैं जो अभी पद सृजन हो रहा है उन सबको एक अवसर जरूर सरकार देने का काम करेगी। थोड़ा धैर्य रखिए, धीरे धीरे जो कमिटमेंट हम लोगों ने किया था उसको हम लोग जो है पूरा करने का काम करेंगे।